नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशाम मिश्रा। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म हर जगह छाई हुई है। द कश्मीर फाइल्स में दिल दहला देने वाली कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। बता दें कि ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। वहीं ये फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब भी हुई है, लेकिन इस फिल्म के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं क्या कहा है आमिर खान ने। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, एंड आई फील दैट दिस इज अ टाइम इन इंडिया विच वॉज सैड, विच आई थिंक दैट पीपल शुड लुक एट केयरफुली एंड रिमेम्बर। बता दें कि अब तक कश्मीर फाइल्स भारत में 141 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। पहले हफ्ते में फिल्म सिर्फ 630 थिएटर में लगी थी, लेकिन अब करीब 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यहां तक कि फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी डब की जा रही है। इस फिल्म की सफलता को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द ही पार कर सकती है। कश्मीर फाइल्स को पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई नेताओं ने सराहा है। 8 राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये फिल्म बिना बड़े स्टार कास्ट, बिना गाने, बिना बड़े बजट के भी ये फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि द कश्मीर फाइल्स और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है और कौन सा नया मुकाम हासिल करती है। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।